आएगी और बहुत ही आपको ज्ञान देने वाली वीडियो है ये। तो सबसे पहले तो आपको पता चल ही गया होगा कि भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली एंड बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने शादी कर ली है। तो सबसे पहले मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई हो, और वो दोनों ही अपने क्षेत्र में काफ़ी पॉपुलर हैं। ठीक है, अनुष्का शर्मा भी काफ़ी पॉपुलर हैं, विराट कोहली तो खैर हमारे बहुत ही क्रिकेटर में कहे जाए तो महान और बहुत ही रोमांचक और बहुत ही पसंदीदा खिलाड़ी हैं मेरे, तो कुछ इस तरीके से है। तो बाकी हम इस वीडियो में उनके कमाई के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि अनुष्का शर्मा की कमाई विराट कोहली की कमाई से 8 गुना है, यानी जो अनुष्का शर्मा कमाती हैं विराट कोहली से 8 गुना कम है, अगर ऐसे समझे तो समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने फोर्ब्स मैगजीन जो है, फोर्ब्स वेबसाइट कह लो मैगजीन कह लो, काफ़ी ये आर्टिकल निकालते रहती है। तो यहाँ पे देखो विराट कोहली एथलीट क्रिकेट, ठीक है, 2017 के वर्ल्ड हाईएस्ट पेड एथलीट्स की अर्निंग दिखाई गई है, तो करीब करीब 22 मिलियन। अब 22 मिलियन आप नहीं समझोगे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करो, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो पूरा इनके बारे में लिखा हुआ है कि विराट कोहली कितने साल के हैं, क्या एज है, क्या मतलब पूरा इनके बारे में बताया गया है। यहाँ पे एज लिखा हुआ है, यहाँ पे सोर्स ऑफ वेल्थ जो इनकम किया है क्या है, तो क्रिकेट है। सैलरी देखिए, सैलरी यहाँ पे सैलरी और विनिंग्स का मतलब होता है कि जो प्राइज मनी मिलता है, यू नो प्राइज मनी जो मिलता है सैलरी प्लस जो भी है, तो वो 3 मिलियन है, प्लस जो एंडोर्समेंट है यानी एडवर्टाइजमेंट करके जितना भी पैसा कमाते हैं करीब $19 मिलियन है। मतलब 6 से 7 गुना वो एडवर्टीजमेंट करके पैसे कमाते हैं। जी हाँ, वो बताऊंगा कौन कौन सा एडवर्टीजमेंट करते हैं और पैसा कैसे कमाते हैं वो, तो वीडियो को छोड़िएगा मत। रेजिडेंस की बात करी जाए तो हम तो जानते हैं दिल्ली के हैं, बट यहाँ पे मुंबई दिया गया है, सिटीजन सबको पता है, इंडियन है। अब थोड़ा सा शादी ब्याह मामला वाला ही, अभी इन्होंने सिंगल ही रखा हुआ है, बट हम फोर्ब्स को रिकमेंड करेंगे या फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया इसको चेंज कर दो। और यहाँ पे दिया हुआ है और स्पॉन्सर कौन कौन से हैं, तो भैया आपको मिलियन तो समझ में आया नहीं होगा और कंपेयर भी नहीं किया, तो चलिए अब कंपेयर करके आपको बता देता हूँ कि क्या है सीन। तो देखो फोर्ब्स के ही मुताबिक, क्योंकि फोर्ब्स बहुत जाना माना है, और तो उसके मुताबिक बताया गया है कि अनुष्का शर्मा की सालाना आय यानी एक साल की कमाई करीब 16 करोड़ रुपए है। ठीक है जी, अब हो सकता है अगले साल बढ़ जाए, कम हो जाए, लेकिन अभी तक फोर्ब्स के मुताबिक 16 करोड़ रुपए है। वही उनकी नेटवर्थ की बात करी जाए तो करीब 220 करोड़ रुपए है। और यहां तक ये भी बता दूं, अनुष्का को फोर्ब्स ने टॉप 100 भारतीय सेलेब्स में 33वें रैंक मिली थी। ठीक है, तो अब बात आती है कि भैया अनुष्का शर्मा कैसे कमाई करती हैं, तो चलिए ये इसके ऊपर भी बात करते हैं। तो सबसे पहले वो जो फिल्म की औसतन जो फीस होती है, जो चार्ज करती हैं, वो करीब करती हैं 10 करोड़ रुपए। ब्रांड एंडोर्समेंट करती हैं, उसका फीस करीब 4 करोड़ रुपए है। पर्सनल इन्वेस्टमेंट कुछ कर रखा होगा, उससे करीब 36 करोड़ रुपए कमाती हैं। लग्जरी कार से, वो लग्जरी कार होगा उनके पास, उससे करीब करीब 4 से 5 करोड़ रुपए है। तो कुल मिला के ये है, तो ऐसे बात करी जाए तो सालाना आय की बात करी जाए तो करीब करीब 16 करोड़ रुपए है। वही हम अगर विराट कोहली की बात करते हैं तो आप जान के हैरान रह जाएंगे कि भैया इतना कैसे पैसा कमाते हैं विराट कोहली जी की। तो विराट कोहली करीब करीब 143 करोड़ रुपए की आय है उनकी, यानी उनकी एक साल में 143 करोड़ रुपए की इनकम है। और जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि फोर्ब्स ने इसी साल दुनिया के टॉप 100 एथलीट की लिस्ट जारी करी थी, उसमें विराट कोहली का 89वां स्थान था। तो ये काफ़ी हमारे भारत के लिए गर्व था और पूरा मतलब उस टाइम भी न्यूज़ में आया था। तो अब बात आती है कि विराट कोहली कमाई कैसे करते हैं। तो देखिए विराट कोहली जो वो खेलते हैं क्रिकेट, तो उनको सैलरी मिलती है, प्लस जो इवेंट की जो प्राइज मनी होती है वो कुल मिला के उससे एक साल के इनकम उनकी 20 करोड़, मतलब एग्जैक्ट जो फोर्ब्स ने बताया है वो बताया है करीब करीब 19.5 यानी 1950 करोड़ रुपए वो कमा लेते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा कमाई है विज्ञापन से, जो भी वो एडवर्टीजमेंट करते हैं उससे करीब करीब 6 गुना कमाई है, और उनकी कमाई है 130 करोड़ रुपए हर साल वो कमाई कर लेते हैं। किससे? विज्ञापन से, 123 करोड़, ध्यान रखिएगा, एक साल में। तो कुछ इस तरीके से करीब करीब 6 से 7 गुना वो कमाई करते हैं अपने एडवर्टीजमेंट से। तो सैलरी यहाँ पे कुछ नहीं है, नाम आपका चलेगा तो पैसे देने वाले बहुत हैं।
अभी बताता हूं आपको कौन है। तो विराट कोहली के पास अभी विज्ञापनों की बात करी जाए तो उनके पास अभी एडिडास देखिएगा तो बड़ा है, ओडी है, ठीक है, बूस्ट है, टीवीएस है, स्मैश है, और हर्बल लाइफ आई डोंट नो कि है कि नहीं है, फिर कोलगेट है, तो कुछ ऐसे विक्स है, ठीक है, तो कुछ ऐसे ब्रांड है जो बहुत उनको पैसा ऑफर करते हैं। और एक बात और भी है, जो विराट कोहली आईपीएल खेलते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग, उनमें सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाले क्रिकेटर हैं वो। आरसीबी जो है उन्हें 15 करोड़ रुपए की सैलरी मिलती है, अगर इस हिसाब से लगाया जाए तो आईपीएल में उनकी हर मिनट के लिए 75,000 रुपए का इनकम है। और विराट कोहली के जो बैट पे एमआरएफ का लोगो लगा हुआ है, इसके लिए एमआरएफ कंपनी ने उन्हें 8 करोड़ रुपए दिए हैं। कोहली प्रतिदिन के विज्ञापन, फोटोशूट या किसी अन्य इवेंट के अपीयरेंस के लिए भी एग्रीमेंट करते हैं और उसके लिए 2 करोड़ रुपए तक चार्ज किए जाते हैं। यानी अगर कोई मतलब विज्ञापन है, फोटोशूट है, किसी इवेंट अपीयरेंस गेस्ट बना रहे हो उसके लिए भी एग्रीमेंट करते हैं, इसके बदले वे एक दिन के लिए करीब करीब 2 करोड़ रुपए तक पे किए जाते हैं। तो आप लगा लो, अगर आपके घर इवेंट वेंट कुछ है तो विराट कोहली की बड़ी डिमांड है भैया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बताइएगा कि आपका क्या कहना है विराट कोहली के बारे में, क्या समझते हैं। और तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी सजेशन सुझाव है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।